हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके किचन में आसानी से अवेलेबल है उसी से हम इसे बनाएंगे और ये आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी हरे मूंग लिए और आधी कटोरी मैंने चावल लिए हैं। मूंग हमें चावल का डबल लेना है और इसे हम रात में भिगो कर रख देंगे। ये देखिए मूंग और चावल की जो क्वांटिटी है वो डबल हो गई है। इनको अच्छे से साफ पानी में धो लेंगे और हमें इसका बैटर बनाएंगे। तो इनका पेस्ट बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने एक साथ रख ली है। मूंग, चावल, तीन मैंने हरी मिर्च लिए हैं, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और पालक। पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे। सबसे पहले हम राइस डालेंगे, उसके बाद तीन हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और फिर हम इसमें डालेंगे पालक। पालक को हम बीच में इसलिए डाल रहे हैं ताकि पीसने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसमें मूंग ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं और इसको पीस लेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसको ब्लेंड करूंगी, यानी 2 मिनट के लिए हमें इसको पीसना है। 3 मिनट भी लग सकता है, जब तक ये अच्छा सा स्मूथ पेस्ट ना बने इसको पीसते रहना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पीसने में हमें। ये जो पेस्ट था हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अभी हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। पेस्ट जो है वो हमारा थोड़ा गाढ़ा या थिक लग रहा है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अभी हमारा जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। पैन को मैंने गैस पे गरम कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल हम इस पे डालेंगे और इसको सारे पैन पे फैला देंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से चमचे की मदद से ही फैलाना है। हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से और फैलाना है। अभी हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके चारों तरफ और इसको ढककर रख देंगे 2 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। अभी हम ढक्कन हटाएंगे। ये डोसा जो है हमारा बन चुका है। आप चाहें तो इसको दूसरी साइड से भी सेक सकते हैं। फिर से हम पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर से हम इस पे बैटर डालेंगे। सेम तरीके से हल्के हाथों से हम इसको दोबारा से फैलाएंगे। डोसा बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अभी हम फिर से इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ढकने का रीज़न ये है कि ये ऊपर की साइड से अच्छे से सिक जाता है। 2 मिनट हो गए, ये हमारा फिर से रेडी हो गया डोसा। हम इसको रख देंगे साइड में निकाल कर। ऐसे ही हम एक एक करके सारे डोसे तैयार कर लेंगे। अभी हम फिर से एक बार और डोसा बनाएंगे। मैं फिर से लास्ट टाइम बैटर डाल के दिखा देती हूँ। आपको सारे डोसे ऐसे ही रेडी करने हैं। एक एक करके मैंने सारे डोसे ऐसे ही तैयार किए हैं।